कोई रेडीमेड आता है उसमें भी साड़ी कठिन काम है पहनना, अगर उस आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं समझता वो जितना ज्यादा प्रमोट होगा दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। तो उस दिशा में कैसे आप लोगों को इंस्पायर कर सकती है? मुझे लगता है हमारे देश में बहुत अलग अलग प्रकार के टेक्सटाइल्स हैं और उसको अपने वीडियोस से मैं प्रमोट करती हूँ, उसका पहनावा कैसा है, उसकी बुनाई कैसे की जाती है, टेक्सटाइल कैसा है, तो उसको आगे ले जाने का प्रयास है वीडियोस के माध्यम से, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे भारत में इतने अलग अलग टेक्सटाइल्स और इतने सुंदर प्रिंट्स वेराइटीज हैं जो हमें देश के सामने लानी चाहिए। और भारत एक सबसे सुंदर देश है और उसकी विरासत, उसकी परंपरा, संस्कार, संस्कृति, हर एक चीज बहुत सुंदर है। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं उसको आगे लेके जाऊं। देखिए, भारत फैशन की दुनिया में लीडर रहा है। बहुत लोग हैरान हो जाएंगे अगर आज लोगों को लगता है मिनी स्कर्ट ये आधुनिकता की निशानी है या पर्स ऐसे लटकाती बहने। आप अगर कोणार्क जाएंगे, सैकड़ों साल पुराने मंदिर का जो मूर्तियां बनी है उसमें आपको एक मूर्ति वो भी दिखेगी जिसमें मिनी स्कर्ट पहना है बेटी ने और हाथ में पर्स है, ऐसे लटक रही है। यानी सैकड़ों साल पहले फैशन का वो नॉलेज यहां पर पत्थर तराशने वाले को भी था। यानी भारत की इन विविधताओं को हम दुनिया में ले जा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं श्रद्धा, जिन्हें मशहूर हैं अयो श्रद्धा के नाम से। आप अलग अलग भाषाओं में कॉमेडी प्रस्तुत करती हैं, हास्य कलाकार। दैट्स श्रद्धा। अयो श्रद्धा से मेरा दोबारा मिलने का मौका मिला है, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और ये पुरस्कार ये एक्नॉलेज करता है कि जो लोग घर में एक स्मार्टफोन के जरिए कंटेंट बनाते हैं वो भी एक स्किल है। ये एक्नॉलेज करता है ये पुरस्कार, इसका बहुत 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 धन्यवाद। देश में अक्सर सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक वजहों से